खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बाहरी प्रदेश से आए व्यक्तियों के द्वारा उत्तराखंड में मानकों को दरकिनार करके जमीन खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड में जमीन खरीदी गई है और उस उद्देश्य से जमीन पर काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा। सीएम धामी के ऐलान के बाद पहली कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी की जमीन पर नैनीताल में हुई है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि उनके द्वारा जो ऐलान किया गया है उसके तहत कार्रवाई होना शुरू हो गया है। जिन लोगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है उनकी जमीन सरकार में निहित की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश कर दिए गए हैं कि जहाँ भी जिन प्रयोजनों के लिए भूमि का उन्होंने खरीद फरोख्त की है और उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी ज़मीनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो सरकार में जिन्होंने उन मानकों को तोड़ा है, यानी जिन मानदंडों पर ज़मीनें खरीदी गई थी उनका पालन नहीं किया है, तो ऐसी ज़मीनें सभी सरकार में नहीं होंगी।